फोर्थ डे है, तो बाकी की जो डेली डेली आप लोग तैयार कर रहे हो उसको तैयार करते रहो। और आज देखो, आज मैं क्या आपको इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ, तो इस पे गौर कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर है, हाँ, फोर्थ डे में आ रहा है नंबर वन पे, व्हाट हैपेंड। जब भी कुछ जैसे कोई बातचीत होती है तो हम कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो इसके लिए इंग्लिश क्या होती है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ, क्या आपने मुझे बुलाया, हैड यू कॉल मी। जैसे कि हम लोग किसी कोई बुलाता है रूम में जाते हैं तो कहते हैं क्या आपने मुझे बुलाया, तो हम कहते हैं हैड यू कॉल मी। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, हाँ, नंबर 3, मे आई गो। जब हम लोग अंदर रूम के अंदर आते हैं तो क्या कहते हैं, मे आई कम, कहते हैं ना मे आई कम। इसी तरीके से हम जाएंगे तो क्या कहेंगे, मे आई गो, यानी इजाजत लेंगे हम जाने के लिए, मे आई गो। ठीक, इसके बाद तो ये कहने लगता है क्या मैं भी साथ में चलूं, तो उसके लिए क्या इंग्लिश बनेगी, मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं भी आपके साथ में चलूं। ठीक है, जैसे कि ये लाइन्स है आपकी, आप नोट कर सकते हैं, आई अकम्पनी विद यू, विद मीन साथ में होता है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर यू कमिंग, जैसे कि कोई मैं जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ किसी से, क्या आर यू कमिंग, आप भी क्या हमारे साथ आ रहे हैं, आर यू कमिंग, तो इसके लिए इंग्लिश होएगी आर यू कमिंग, नोट कर लो। ठीक है, व्हाट इज योर गुड नेम। अब कोई मुलाकात होती है किसी से, कोई मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट इज योर गुड नेम, आपका क्या अच्छा नाम है या शुभ नाम है, तो उसके बदले में क्या हम लोग आंसर देते हैं, माय नेम इज एक्स वाई जेड, जो भी नाम है वो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बोर्ड पे आप लोगों को समझाती हूँ तो कहती हूँ कि डू यू आ रहा है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लें, आप लास्ट पॉइंट है हु इज कमिंग, तो टूडे लास्ट पॉइंट, आज 20 हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। ठीक है, तो आज का मैटर कंप्लीट करें और एवरीडे इनके घर पर प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरीके से, और इनको नोट्स करें और क्लियर लिखें, क्लियर लिखेंगे तभी पॉइंट्स याद होंगे। इनकी प्रैक्टिस आप बोलने की करें, प्रैक्टिस बोलने की करेंगे तभी आप इनको बोल सकते हैं, केवल कॉपी में लिख लेने से नहीं काम चलता है। तो आपस में भाई बहन हैं और रिलेटिव हैं, कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप प्रैक्टिस एवरीडे करते रहें, इस तरीके से स्पीकिंग आपको जल्दी आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, देखो ध्यान से, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 17 नंबर पॉइंट्स हो गया है। 18 नंबर का देखो, व्हाट इज योर ओपिनियन, जब भी हम कोई मैटर्स चल रहा होते हैं, कोई बातचीत चल रही होती है, एडवाइस हो रही होती है एक दूसरे के साथ में, तो हम क्या कहते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी क्या सलाह है, व्हाट इज योर ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स क्या होता है, विचार। तो व्हाट इज योर ओपिनियन, इसको नोट डाउन कर ले आप। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एनी वर्क विद मी, क्या आपको मुझसे कोई काम है, तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू एनी वर्क विद मी, तो हैव मीन्स आपके पास, एनी मीन्स कोई, वर्क विद मी मेरे लिए है, आपको मुझसे कुछ काम है। ठीक है, 19 नंबर हो गया, एंड लास्ट पॉइंट टुडे लास्ट पॉइंट, हु इज कमिंग, कोई आ रहा है तो हम बता सकते, या बोलेंगे अंडरस्टूड, क्या बोलेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, या फिर अंडरस्टूड, क्या आप समझे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन नहीं समझ रहा है तो उसके बदले में हम क्या बोलेंगे, अगर मैं सपोज दैट मैं नहीं समझ रही हूँ, तो कोई भी टीचर क्वेश्चन समझा रहा है, तो नो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं मैं नहीं समझी। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज ही, जैसे कोई आ गया रूम के अंदर आया, हु इज ही, हम क्या कहेंगे, हु इज ही, वह कौन है। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, डोंट टॉक ईच अदर। ठीक है, व्हाट इज मैटर, जैसे कोई आपस में बात कर रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, टीचर्स क्या बोलते हैं, व्हाट इज मैटर, क्या हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से इसको व्हाट इज मैटर मतलब क्या मामला है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट है 11 नंबर पे, इज इट हॉलीडे टुडे, बच्चे बहुत खुश होते हैं, फिर आता है और कहता है व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो, तो इसके लिए ये लाइन बनेगी, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। ठीक है, 15 नंबर पर,
आर यू एंग्री मी, कोई नाराज हो जाता है आपसे फिर आप क्या कहते हैं, आर यू एंग्री मी, आर यू एंग्री विद मी, विद मी बोल सकते हैं और एंग्री भी बोल सकते हैं, आर यू एंग्री मी, क्या आप मुझसे नाराज है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 नंबर हो गया आपका, 16 नंबर आज का पॉइंट है 16 नंबर का, नो आई एम नॉट एंग्री विद यू, तो वो अगर नेगेटिविटी वाली बात है तो क्या, नो आई एम नॉट एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, नो आई एम नॉट एंग्री विद यू, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर, व्हाट कैन डू फॉर यू, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है, व्हाट कैन डू आई, व्हाट कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, जहाँ मैं बच्चों से बोल सकती हूँ, किसी से बोल सकती हूँ, तो ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से आता है। आज छुट्टी है, हिंदी इंग्लिश बनेगी इट इज हॉलीडे टूडे, हॉलीडे मीन्स क्या होता है, हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी, टूडे मीन्स आज, तो इसके लिए बोलते हैं। तो डू यू नाउ, तो ये जैसे क्वेश्चन पहले आ जाता है, बच्चे आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, तो क्या कहते हैं, डू यू नाउ, डू यू नाउ, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट इज हॉलीडे टूडे, आज छुट्टी है, इसको हमने इससे जोड़ दिया, तो यहाँ पर डू यू नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है, ठीक है। डू यू नो हॉलीडे, हाँ। 13 नंबर, टॉपिक नंबर 13 देखो आप, व्हाट इज ट्रबल, ट्रबल मीन्स क्या होता है, क्या मैटर है, क्या गड़बड़ है, व्हाट इज ट्रबल, ट्रबल मीन्स गड़बड़ होना होता है, क्या गड़बड़ है, आप बोलने के लिए जैसे कोई मैटर चल रहा है आपस में, तो एक दूसरे से कह देते हैं कि क्या गड़बड़ चल रही है, व्हाट इज ट्रबल, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट 14 नंबर, व्हाट डिड यू से, जैसे